प्रतिष्ठा कितनी तेजी के साथ बढ़ी है और उनका एक विजन है कि भारत का एक कंप्रिहेंसिव डेवलपमेंट होना चाहिए और इसी सोच के आधार पर सतत प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं। दुनिया के दूसरे देशों में भी जाने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ है। मैं कह सकता हूं अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है तो उसका श्रेय यदि दिया जाना चाहिए तो हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को इसका श्रेय दिया जाना चाहिए। पहले भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर यदि कुछ बोलता था उसकी बातों को जितनी गंभीरतापूर्वक लिया जाना चाहिए उतनी गंभीरतापूर्वक नहीं लिया जाता था, लेकिन आज अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत कुछ बोलता है तो लोग कान खोल कर भारत की बातों को सुनते हैं। यह हैसियत अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की बनी है। आप सभी उद्योग जगत से जुड़े हुए महानुभावों का मैं विशेष रूप से यहां पर अभिनंदन करना चाहता हूं कि भारत के सबसे बड़े राज्य जनसंख्या की दृष्टि से तो सबसे बड़ा है ही, और मैं कह सकता हूं रिसोर्सेस के मामले में भी यह भारत और स्किल के मामले में भी हमारा यह उत्तर प्रदेश किसी से कम नहीं है। और आप सबने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में निवेश करने का फैसला लिया है, मैं जितना इस प्रदेश को जानता हूं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं जितना प्रदेश सरकार के द्वारा सहयोग आप सबको प्राप्त हो सकता है वह निश्चित रूप से हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में वह पूरा का पूरा सहयोग प्राप्त होगा। कामों का निस्तारण कितनी तेजी के साथ हो रहा है, अभी हमारे किसी सम्मानित उद्योगपति ने यह बतलाया कि एक महीने के अंदर एक मामले में क्लियरेंस हमको मिल गई, दूसरे मामले में 15 दिन में मिल गई, 2 महीने में मिल गई। इसकी संभवतः पहले कोई कल्पना नहीं कर सकता था। और मैं कह सकता हूं यह सब ये जो कुछ भी हुआ है उत्तर प्रदेश में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हुआ है, लेकिन इसके पहले पीछे विजन और मार्गदर्शन यदि किसी का है तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है। सदैव मुख्यमंत्रियों के साथ सीधा संवाद स्थापित करना, घंटों उनको समय देना और साथ ही साथ कंसेप्ट देना, आइडियाज देना, यह प्रधानमंत्री